हाजरी की शुरुआत हुई है एनएचएम मिशन निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने अपने पदभार के पहले दिन प्रदेश की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशों पर लगातार चिकित्सा महकमे में नवाचार शुरू किए हैं जी राजस्थान के सहयोगी संवाददाता आशुतोष शर्मा ने खास बातचीत भी डॉक्टर समित शर्मा से की है क्या कुछ उन्होंने अपने नवाचारों को लेकर बात कही है सुन लेते हैं सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बेहद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं साथ में ही उनकी जो ब्रेकृषि है वो भी बेहद एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है मेरे साथ एनएचएम के मिशन निदेशक डॉक्टर समित शर्मा मौजूद हैं सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की सबसे पहले तो और आज से एक बहुत ही नवाचार आपने शुरू कर दिया है आप जहां भी जाते हैं जिस महकमे में जाते हैं कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहते हैं बायोमेट्रिक uh, अटेंडेंस का आपसे ना सिर्फ स्वास्थ्य महकमे में बल्कि पूरे प्रदेश में आपने ऐसे डायरेक्शन दिए हैं uh, किस तरीके से ये प्रोसेस रहेगा और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सर्वप्रथम तो आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो डेढ़ लाख डॉक्टर्स हैं नर्सिंग कर्मी हैं फार्मासिस्ट हैं एन कर्मी हैं इन सब ने एक संकल्प लिया है और संकल्प ये है कि अपने अस्पताल में अपने कार्यस्थल पर समय पे जाएंगे और समय पे वहाँ आएंगे और पूरे समय वहीं पे रुक करके अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे आ, मैंने आप देखा आपसे कुछ देर पहले आप मोबाइल में जो आपके पास अपडेट्स आ रहे थे लगातार खुद आपके प्रदेश भर से जितने भी कर्मचारी तो किस तरह की प्रतिक्रियाँ आ रही है आप एक बार देखा पाएंगे हमारा इसमें प्रयास रहा है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो हम कराएं तो वो किसी दबाव में ना कराएं और उनको ये इस तरह से ना कराएं कि उनको कोई नोटिस देंगे को चार्जशीट देंगे या कोई सस्पेंड कर देंगे ऐसी इसमें भावना नहीं है इसमें कोशिश ये है कि उसको अंदर से प्रोत्साहित करें कि वो एक मरीजों के सेवा का एक कार्य कर रहा है अपने देश के लिए कार्य कर रहा है और सही मनोस्थिति के साथ ही वो कार्यस्थल पर जाए न कि किसी दबाव में और खुशी खुशी जाए और अपनी सेवाएं प्रदान करें आ, आपको इस महकमे का बहुत अच्छा अनुभव है चिकित्सा मंत्री ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने कहा कि मैं करप्शन से जुड़ी कोई भी शिकायत आएगी उसको तो जीरो टॉलरेंस के साथ में उस पर काम करूंगा बहुत कम ऐसा होता है कि जो ब्रिगेड होते हैं वो ऐसा होता है कि बंद कमरे में बैठ के काम करते हैं आप ग्राउंड जीरो पे गए शुरुआत से ही आपने अगले दिन से ही ये शुरुआत कर दी तो जब आप धरातल पे जा रहे हैं तो किस तरह की कमियां मिल पा रही हैं और सुधार की कितनी गुंजाइश आपको मिल पा रही है देखिए बहुत सारी चीजें होनी है और यह बहुत अच्छी बात है कि मान्य मंत्री महोदय ने स्वयं यह सार्वजनिक रूप से कहा चिकित्सा विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा करप्शन के दो रूप हो सकते हैं एक करप्शन तो है आर्थिक करप्शन जो फाइनेंशियल करप्शन होता है जिसमें कोई किसी काम के लिए हम कोई पैसा लेते हैं या जिस व्यक्ति के लिए जो पैसा आया है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लेते हैं ये तो बहुत गंभीर है साथ में यह भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति को जितनी सैलरी मिल रही है उतने का काम भी वो करके दे प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे में नए साल पे एक नया नवाचार शुरू हुआ है उम्मीद है नए साल की इस किरण के साथ में प्रदेश को एक नई मिलेगी और मजबूती मिलेगी कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ आशुतोष शर्मा जी मीडिया जयपुर